बहुत एक युद्ध चल रहा है। नहीं सर, देखिए मैं भी मुजफ्फरनगर से ही हूँ और एक मैं भी जाट ही हूँ, तो ये जो हवा बना रखी है कि जाट जो है योगी जी के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जाट जो है भाई योगी जी के साथ है और योगी जी ने जो सुरक्षा व्यवस्था पे जो काम किया, सड़कों पे जो काम किया और कोरोना में जो जितनी अच्छा उनकी हर जगह तारीफ हुई, ऑस्ट्रेलिया तक के लोग उनको कह रहे थे कि भैया योगी जी हमें उधार दे दो, तो योगी जी के काम बहुत अच्छा काम किया योगी जी ने। और मैं तो 20 साल पहले दिल्ली आया था क्योंकि मुजफ्फरनगर की जो स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी। 15 जनवरी 2000 को मेरी बेटी का जन्म हुआ था और उसी रात मेरे परिवार के ऊपर दो बदमाशों ने हमला किया था। हालांकि वो पुलिस का सायरन बजा और वो बदमाश जो है भागने लगे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि कितनी बुरी स्थिति थी उस टाइम मुजफ्फरनगर में। लेकिन आज जो है आप रात को किसी भी टाइम जो है मुजफ्फरनगर जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि हम सभी को, सभी जाट भाई। अच्छा सर, ये बताइए, मैं अभी गुरु गोविंद जी का देखा था तो खालसा साहब इन्होंने बनाया है, क्या बनाया है और ये भांड जो लिखा है ना, ये भांड का मतलब क्या हुआ? सर देखिए, जैसे मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ कि रावण जो है एक साधु का भेष धारण करके सीता जी का हरण करने आया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसने साधु का भेष क्यों धारण किया? वो तो एक राक्षस था। तो इसी तरीके से ये जो विदेशी ताकतें हैं, ये एक रिलीजन का धर्म, रिलीजन अपने आप को बता करके ये बहरूपियां हैं और इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने इनको पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने इनको भांड कहा, क्योंकि वो पॉलिटिकल पावर्स हैं और वो चाहती थी कि किस तरह से इनका माइंड वॉश किया जाए। तो सर जी आज ये तो पूरा वो हो रहे हैं अलग से, क्योंकि गुरु गोविंद जी के कथन पे तो कोई चल नहीं रहे हैं। आज भी देख लो भाई, जाट भाइयों को बोल रहे हैं, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे जो बीच में बोल रहे हैं कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे योगी जी का, क्योंकि अलग अलग हो गया ना इसमें, और उस विषय बताइए आप एक बार। सर देखिए, जो आम हिंदुस्तानी है, आम जाट है, वो देशभक्त होता है, उसकी रगों में जो है रामलाल खोकर जी का खून है, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी की मौत का बदला लिया, उनकी रगों में सूरजमल जी का खून है जिन्होंने अब्दाली को चने चबवाए, उनकी रगों में चौधरी चरण सिंह जी का खून है जिन्होंने हमेशा परिवारवाद को कभी पसंद नहीं किया, उन्होंने हमेशा ये कहा कि मेरे बेटे को कभी राजनीति। तो जब भी कभी देश धर्म पे मरने की बात आती है तो जाट हमेशा उससे आगे रहते हैं, जबकि गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा बनाने की सोची तो सबसे पहले भाई धर्म सिंह जो एक जाट थे वो खड़े हुए, उसके बाद भाई साहिब सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई दया सिंह जी और भाई महकम सिंह जी, जो कि नाई, धोबी, खत्री और लोहार अलग अलग जातियों से थे। तो कोई किसी भी जाति से हो, क्योंकि जातियां ये कर्म के आधार पर बनाई गई थी, लेकिन इन विदेशी ताकतों ने हमें दलित दलित कह करके हमारे भाइयों को हमसे अलग कर दिया। मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे आज कोरोना काल में हम डॉक्टरों से थोड़ा दूर रखते हैं, परहेज करते हैं, उनके पास नहीं जाना चाहते कहीं कोरोना ना लग जाए, तो क्या डॉक्टर को हम दलित कहना शुरू कर देंगे? क्या डॉक्टर तारें? लेकिन इन्होंने हमें उसको गलत अर्थ जो है बताया कि इनको पीटो और हमारे को नारी विरोधी और दलित विरोधी बताया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे तो गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। देखिए सीधी सी बात है, जब मैं युद्ध क्षेत्र में हूँ तो मैं एक क्षत्रिय हूँ, जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ तो मैं एक ब्राह्मण हूँ, जब मैं व्यापार के क्षेत्र में हूँ तो मैं एक वैश्य हूँ, और जब मैं किसी की सेवा के क्षेत्र में हूँ तो मैं एक शूद्र हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदू हूँ।